स्वागत है आप लोगों का हमारे ट्रिपल सी स्टडी चैनल में। तो आज का टॉपिक है कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास क्या है? तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंपुट शब्द से हुई, जिसका अर्थ गिनना होता है। कंपुट का अर्थ होता है गिनना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। 18 वर्षीय ब्लेस पास्कल ने 1641 में पास्कल नाम के कंप्यूटर की खोज की थी। 1642 को कंप्यूटर अपनी शक्ल में आया, जिसकी लंबाई 15 मील 22.5 किमी, जिसे चलाने के लिए की ज़रूरत पड़ती थी। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। वर्तमान कंप्यूटर की रूपरेखा के चार्ल्स बैबेज ने 1833 को खोज की थी। इसकी रूपरेखा की खोज चार्ल्स बैबेज ने की थी, और कब की थी? 1833 में की थी। इंडिया में कंप्यूटर 1950 में डेस्कटॉप कंप्यूटर के रूप में आया। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे कंप्यूटर के इतिहास से, तो अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो ज़रूर आएगा। तो अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो